देखो बच्चों, ये जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं वो हमको डिस्कस क्या करना था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और हमने क्या कहा, सेकेंडरी मेरिस्टेम को दो तरीका है। नॉर्मल कोर्स में बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन ये कैसे है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग समझेंगे तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो रटा हुआ हमेशा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं से वो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, छूट जा सकता है। तो इस पूरे चीज़ों को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम है, एक स्टैंडर्ड डायकॉट का स्टेम है। डायकॉट के स्टेम को हम लोग बताए थे पढ़ने के लिए, हम लोग सनफ्लावर के प्लांट का स्टेम कटिंग करते हैं और उसी को स्ट्रेन करके ये बाहर बड़ा सा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। इस बड़े से डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग आते हैं डायकॉट के स्टेम में। जो प्लांट में हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। इस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम रखते हैं एपी डर्मिस। क्या नाम रखे इसका हम लोग, एपी डर्मिस। ये नाम कैसे बना, अभी इसको समझना है। एपी मतलब होता है एबव, बाहर, और डर्म शब्द का मतलब होता है स्किन। तो दोनों वर्ड का मीनिंग यहां लिखते हैं, डर्म का मतलब क्या हो गया, स्किन, और एपी मतलब क्या हो गया, एबव। तो हम लोग अब क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, टर्म क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपी डर्मिस। एक प्लांट को हम लोग बाहर से देख रहे थे तो बाहर से उसका स्किन दिख रहा होगा, बाहर से जब हम उसको छूते हैं तो हम लोग क्या छू पाते हैं, प्लांट का स्टेम छू रहे हैं और उसका स्किन छू पाते हैं। मतलब क्या हो गया, प्लांट के आउटर मोस्ट पोर्शन का, स्टेम के आउटर मोस्ट पोर्शन का नाम क्या हो गया, स्टेम के आउटर मोस्ट पोर्शन का नाम हो गया एपी डर्मिस। ये हमको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एपिडर्मिस क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसका मतलब अगर बाहर से ऑब्जर्व करें तो इसको नंबरिंग करेंगे वन, मतलब ये पहला लेयर दिख रहा था। इस लेयर में बहुत सा हेयर बॉडी के बाहर निकला हुआ था, जिस हेयर को हम लोग अब नाम दे दिए शूट हेयर, इसको नंबरिंग कर दिए टू। तो एपिडर्मिस के बॉडी से क्या निकला दिख रहा था, हेयर दिख रहा था। अब एक क्वेश्चन मेडिकल में यहां भी आता है, शूट हेयर, रूट में भी हेयर दिखाई देगा और शूट में भी हेयर दिखाई दे रहा है, ये कैसा होगा। तो शूट हेयर दिखा रहे हैं कई सेल का बना हुआ, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं शूट हेयर इज मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत, यहां पे हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, कई सेल का बना हुआ है। क्यों कई सेल का बना है, क्योंकि बॉडी के स्टेम के बॉडी से ट्रांसपिरेशन होना है, पानी को बाहर आना है, पानी कम से कम बाहर जाए, इसलिए एक मैकेनिज्म है पानी के बाहर निकलने के रास्ते को रोका जा रहा है। तो जितना ज्यादा ये सेल का बना होगा उतना रुक रुक के पानी बाहर जाएगा, इसीलिए टर्म क्या यूज किया हम लोग, शूट हेयर्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। तो हम लोग एक स्टेम का एनाटॉमी देख रहे हैं, पहला पहला पॉइंट क्या देखे, हम लोग को पढ़ना है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी को समझने के लिए हम लोग पूरा डायग्राम समझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग आ गए, अब अंदर की तरफ आए तो पहले लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर मिल रहा है, इस सेकेंड लेयर का नाम है हाइपोडर्मल सेल और हाइपोडर्मिस। ये नाम कैसे पढ़ा, फिर देखो, हाइपो शब्द का मतलब होता है बिलो, नीचे, और डर्म का मतलब स्किन, मतलब स्किन के ठीक नीचे वाले सेल को क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस कहेंगे। डर्म मतलब स्किन और हाइपो मतलब बिलो, मतलब स्किन के ठीक नीचे वाले सेल का नाम रख दिए हाइपोडर्मिस। फिर से बोलो क्या क्या बताए, बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से क्या निकला हुआ है, तो क्या बोलेंगे, शूट हेयर। रिपीट करो, शूट हेयर कैसा होगा, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, तो क्या बोलेंगे बच्चों, कहेंगे दे आर मल्टीसेलुलर। क्यों होगा, अब तुम जान चुके हो, क्योंकि शूट हेयर का काम है टू प्रिवेंट, रोकना किस चीज को, पानी कम से कम ट्रांसपायर हो, उसको पानी के ट्रांसपिरेशन के रेट को चेक करना, इसीलिए टर्म हो गया मल्टीसेलुलर। क्यों हुआ ये समझ में आ गया ना, रटना नहीं है, इसको समझना है। क्यों,
अगर वो यूनिसेलुलर होता तो ज्यादा पानी इवेपोरेट कर जाता, मल्टीसेलुलर है तो पानी रुक रुक के निकल रहा है, चेक हो रहा है, और ये एसेंशियल था, इसीलिए स्टेम का हेयर कैसा हो गया, स्टेम का या शूट का हेयर हमेशा मल्टीसेलुलर ही होगा। सेकेंड लेयर कैसा कहलाएगा, सेकेंड लेयर का नाम फिक्स हो गया, सेकेंड लेयर को हम लोग नाम दे दिए हाइपो मतलब बिलो, डर्म मतलब स्किन, तो क्या नाम रखे इसका, हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब बिलो नीचे और डर्म का मतलब स्किन। चूंकि ये स्किन के नीचे का लेयर है इसीलिए इसका नाम रखे हाइपोडर्मल सेल। फिर से बोलो क्या बताए, हाइपो मतलब बिलो, डर्म मतलब स्किन, स्किन के नीचे का सेल है इसीलिए टर्म क्या यूज किए, हाइपोडर्मल सेल। अब हम लोग आते हैं ये कैसा होता है, इसको हम लोग फिर एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ जो पढ़ेंगे तब इसका और डिटेल्स हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग को सिर्फ कंसंट्रेट करना है सेकेंडरी मेरिस्टेम समझना है। फॉर थर्ड पॉइंट हम लोग आते हैं, अब ये जो व्हाइट कलर से बनाए हैं ये पूरा यहां से यहां तक का पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स, क्या कहलाता है कॉर्टेक्स, और अब हम लोग कहते हैं इसको जनरल कॉर्टेक्स, दो नाम हो गया कॉर्टेक्स या उसके पहले एक शब्द लगा दिए जनरल। तो हम लोग ऊपर से सीक्वेंस चलते जा रहे हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस किए जरा देखो, तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम रखे एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर का नाम क्या रखे हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर, थर्ड अकेला लेयर नहीं है, थर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेयर, हम लोग क्या बोलेंगे देर आर फ्यू लेयर, क्या बोलेंगे देर आर फ्यू लेयर, एंड दिस फ्यू लेयर इज टर्न एज जनरल कॉर्टेक्स, और नेचर में दिस इज मेड ऑफ पेरेन्काइमा, ये हम लोग को फिर पढ़ना है व्हाट इज पेरेन्काइमा व्हाट इज कोलेन्काइमा। तो ये अभी सिर्फ ये समझा रहा है हमको कि व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम को समझने के लिए हम इन बातों को समझा रहे हैं। और फोर्थ लेयर पे आ गए, दिस इज फोर्थ लेयर विच इज कॉल्ड एज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये इसी कॉर्टेक्स का ही अंतिम लेयर है जिसको हम लोग यहां पे येलो कलर से दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का अंतिम लेयर है, लास्ट लेयर है, लेकिन इसका कैरेक्टर चूंकि सारे लेयर से डिफर कर जाता है इसलिए इसको अलग कलर से डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज, हम लोग नाम दे दिए एंडोडर्मिस, फिर हम लोग इसको बाद में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है कि एंडोडर्मल कौन सा लेयर है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार मेडिकल में आया है, एंडोडर्मल सेल इज, तो ऑप्शन रहता है दिस इज एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ, दे देता है हाइपोडर्मल सेल, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टिकल सेल, और दे देगा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वैस्कुलर बंडल, कुछ भी नाम दे देगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, पहला कैरेक्टर हम लोग जाने एंडोडर्मल सेल, ये कॉर्टेक्स का अंदर वाला सेल है, ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। अब हम लोग आते हैं फिर उसके नीचे एक और लेयर दिखा रहे हैं, इस लेयर का नाम दे दिया गया पेरी मतलब चारों तरफ, साइकिल मतलब राउंडेड, ये चारों तरफ राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस इज बेटर कॉल्ड एज पेरी साइकिल, और अंदर वाले लेयर का नाम क्या रखे थे एंडो मतलब इनसाइड, डर्म मतलब स्किन, स्किन का जो अंदर वाला लेयर था दैट इज कॉर्टिकस, कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर वाला लेयर था उसका नाम रखे हम लोग एंडोडर्मिस। अब तक समझ में आ गया, क्या क्या बताया बच्चों बताओ, बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर का नाम हाइपोडर्मिस, सेकेंड लेयर के बाद कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम जनरल कॉर्टेक्स, और फाइनली इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स का नाम क्या बताया एंडोडर्मिस। अब आते हैं उसके अंदर जो लेयर था इसका नाम रखे पेरिसाइकिल, इसके अंदर एक स्टेम में वैस्कुलर टिश्यू है, तो पहले हम लोग ये टर्म समझा दें, वैस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कह दिए वैस्कुलर टिश्यू, क्या नाम रखें इसका हम लोग वैस्कुलर टिश्यू, या अब हम लोग इसको कहेंगे वैस्कुलर बंडल, क्या नाम रखें इसका हम लोग वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल। इस टिश्यू का काम है एक प्लांट में पानी और खाने को पहुंचाना और कैरी करना, तो बोलेंगे दे आर कंडक्टिंग टिश्यू,
क्या बोलेंगे इसको, दे आर कंडक्टिंग टिश्यू। इस वैस्कुलर टिश्यू का दो पार्ट दिखा रहे हैं, एक पार्ट का नाम रखे हैं जाइलम। जाइलम के पहले प्रोटो या मेटा लिखा हुआ है, तो एक वर्ड है प्रोटोजाइलम और एक वर्ड है मेटाजाइलम। तो पहला हो गया जाइलम और दूसरा एक टिश्यू है उसका नाम है फ्लोयम। इस डायग्राम में जो दिखा रहे हैं ये राउंडेड स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं जाइलम और ये स्क्वायर स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं फ्लोयम। इन दोनों के बीच में जो व्हाइट लाइन दिखा रहे हैं इसका नाम रखे हैं कैम्बियम। तो पहले इसको हम लोग समझ रहे हैं। जाइलम में दो तरह का जाइलम है, एक स्मॉलर डायमीटर वाला विच इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम और एक लार्जर डायमीटर वाला इसका नाम रख दिए मेटाजाइलम। अब नाम याद करना बहुत आसान है, जो लार्जर डायमीटर का है मतलब वो मोटा है, तो मोटा इज कॉल्ड एज मेटा। मोटा को क्या बोले मेटा और छोटे को क्या बोल दिए प्रोटो। तो देयर आर टू टर्म, प्रोटोजाइलम स्मॉलर डायमीटर, मेटाजाइलम विथ लार्जर डायमीटर। तो ये याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा एंड मोटो है ना, दोनों मोटा मतलब मेटा और छोटा मतलब प्रोटो। तो प्रोटो विथ स्मॉलर डायमीटर, मेटा विथ लार्जर डायमीटर, मतलब क्या हुआ, एक प्लांट के बारे में सोचो। प्लांट ऐसे लगा हुआ था मिट्टी में, ये जो प्लांट लगा हुआ है ये मिट्टी में, इसमें पानी कैरी हो रहा है। तो ये मिट्टी से जो पानी कैरी हो रहा है ये दिखा रहे हैं, ये एक ट्यूब है और ये पत्ते तक पानी पहुंचा। तो ये जो पानी को कैरी कर रहा था उस कंडक्टिंग टिश्यू का नाम था जाइलम। और अब लीफ में क्या होगा, खाना बनेगा। खाना बनने के बाद ये दिखा रहे हैं फूड बना। फूड बनने के बाद ये फूड जिस टिश्यू से अंदर डिफरेंट पार्ट में पहुंच रहा होगा इसका नाम रख दिए हम लोग फ्लोयम। तो ये दिखा रहे हैं ये फूड बन गया। तो क्या क्या बताया हम लोग, देखो यहां पे जो डायग्राम बनाया है इसमें ये वाला दिखा रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू, एक कंडक्टिंग टिश्यू इसका नाम है जाइलम, जो क्या कैरी कर रहा है, वाटर को कैरी कर रहा है। कहां से कर रहा होगा, फ्रॉम रूट और कहां तक कैरी कर रहा है, अप टू लीफ। और ये जो टिश्यू दिखा रहे हैं इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, फ्लोयम। ये किसको कहां से क्या कैरी कर रहा है, ये प्रिपेयर्ड फूड को कैरी कर रहा है, कहां से, फ्रॉम लीफ अप टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट में कैरी कर रहा है। इन दोनों को मिला के कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इन दोनों को मिला के, कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये वाटर और फूड को कंडक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है। ये कंडक्ट वर्ड कैसे आया इसको भी समझ लो, हम लोग इसका नाम रखे हैं वैस्कुलर टिश्यू। इसी का और एक नाम होता है कंडक्टिंग टिश्यू। क्या नाम होता है इसका, कंडक्टिंग टिश्यू। ये वर्ड आया है कंडक्टर वर्ड, तुम लोग जानते हो एक बस में एक कंडक्टर होता है जो हमको कैरी करता है। कंडक्टर का काम क्या है, वो कैरी करना और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के लोकेशन पे जब पैसेंजर को उतरना होता है तो वो बताता है कि सर अब आप यहां पे उतर जाएं। मतलब एक कंडक्टर इज कंडक्टिंग आवर सेल्फ, हम लोगों को कंडक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है टू आवर डेस्टिनेशन। तो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ, हम लोग उस टिश्यू का नाम रखे कंडक्टिंग टिश्यू। मतलब क्या है, नाउ कौन सी चीज को कंडक्ट किया जा रहा है इनसाइड ए प्लांट, तो वी विल कॉल दैट वाटर एंड पानी, वाटर एज वेल एज फूड इज बीइंग कंडक्टेड। वाटर कहां से कहां कैरी हो रहा है, तो वाटर इज बीइंग कंडक्टेड, ये दिखा रहे थे हम लोग। प्लांट में सॉइल है, सॉइल में, सॉइल के वाटर को जाइलम कैरी कर रहा है, सॉइल के वाटर को पत्ते तक कौन पहुंचा रहा है, जाइलम कैरी कर रहा है। और कहां पहुंचा रहा है, इनसाइड लीफ, लीफ में पहुंचने के बाद इस वाटर का कन्वर्शन हो रहा है, दिस वाटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं पत्ता अपना खाना खुद बना रहा होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। सो द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब ये जो खाना बना कौन बनाया, ये बनाया पत्ता। जो खाना बना इसको भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचना है, इस डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है,
फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है? जाइलम किसको कैरी कर रहा है? तो कहेंगे जाइलम इज कंडक्टिंग वाटर। और फ्लोएम किसको कैरी कर रहा है? तो बोलेंगे फ्लोएम इज कंडक्टिंग फूड। तो बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यू। दोनों कैसा है? कंडक्टिंग टिश्यू है। किसको कंडक्ट कर रहा है? वाटर एंड फूड को। क्वेश्चन आता है वाटर को कौन कैरी करेगा? आंसर क्या होगा? जाइलम। फूड को कौन कैरी करेगा? फ्लोएम। अब यहां पे फिर दो टर्म आ गया, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटो मतलब विथ स्मॉलर डायमीटर, मेटा मतलब बताया अभी मोटा, मेटा मतलब मोटा। तो मोटा डायमीटर मीनिंग बाय लार्जर डायमीटर। तो लार्जर डायमीटर ज्यादा पानी कैरी करेगा, प्रोटोजाइलम लेसर डायमीटर का है, कम पानी कैरी करेगा। अब तुम ये सोचो दो पाइप तुम्हारे पास है, एक का डायमीटर कम है और दूसरे का डायमीटर ज्यादा है, तो ज्यादा डायमीटर वाला पाइप ज्यादा पानी कैरी करेगा, कम डायमीटर वाला कम कैरी करेगा। इसीलिए पानी तो दोनों कैरी करेगा लेकिन प्रोटोजाइलम कम पानी कैरी करेगा, मेटाजाइलम ज्यादा पानी कैरी करेगा। ये समझ में आ गया? तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या रखे हम लोग? जाइलम। और फूड कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या रखे? फ्लोएम। तो ये दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों बोले कंडक्टिंग? समझ में आ गया? बिकॉज दे आर कंडक्टिंग, ये कंडक्शन का काम कर रहा है। किसको? वाटर एज वेल एज फूड को कंडक्ट कर रहा है। सो द टर्म इज कंडक्टिंग टिश्यू। फिर हम लोग अब आते हैं, इसके दोनों के बीच में देयर इज एन मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू का नाम है कैम्बियम। क्या नाम है इसका? कैम्बियम। इसी का दूसरा नाम है फेसिकुलर कैम्बियम। इसका और दूसरा नाम क्या हो गया? फेसिकुलर कैम्बियम। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज कैम्बियम? तो योर आंसर इज इनसाइड वैस्कुलर बंडल इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम देयर इज ए लेयर ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू के लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम। ये समझ में आ गया? पहला पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम के बारे में बताए तो ये क्या बताया? ये कहां मिला? तो बोलेंगे इनसाइड वन वैस्कुलर टिश्यू। कहां मिला? इनसाइड वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल। एक वैस्कुलर बंडल में क्या क्या मिला? जाइलम भी मिला और फ्लोएम भी मिला। जाइलम किसको कैरी कर रहा है? वाटर को। फ्लोएम किसको कैरी कर रहा है? फूड को। इन दोनों टिश्यू के बीच में कौन मिला? कैम्बियम। कैम्बियम कैसा है? तो अभी भी बताया, कैम्बियम इज ए मेरिस्टमेटिक टिश्यू। जो शुरू से मेरिस्टमेटिक होता है उसको अभी हम लोग बताए थे क्या नाम देंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बताए थे नॉर्मल मेरिस्टमेटिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे, क्योंकि अभी प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट ग्रो कर रहा था। जब ये डायमीटर में बढ़ना शुरू करेगा और जो टिश्यू परमानेंट था वो जब किसी नए टिश्यू को रिगेन करेगा पावर ऑफ डिवीजन, तब उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम लोग कहेंगे फेसिकुलर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी। कैसा टिश्यू है ये? प्राइमरी टिश्यू है। और प्राइमरी कैसा टिश्यू? तो आंसर क्या होगा? इट इज ए प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये? प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं, सेंट्रली लोकेटेड इस पोर्शन का नाम है पिथ। क्या नाम है इसका? पिथ। तो पिथ इज व्हाट? सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज पिथ। अब हम लोग पिथ के बारे में एक फॉर्मूला बताते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, मिस्टर डी एस कंटेन पिथ। ये मेडिकल का बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज पिथ? हम लोग इसको फिर बताएंगे। पिथ इज इन केस ऑफ स्टेम दिस सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन इज टर्म एज पिथ। पिथ कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। पिथ क्या है? पिथ इज एन स्पेस विच कंटेन पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये एक टिश्यू है यहां पे पेरेन्काइमेटस। हम लोग थोड़ा सा भी डेविएट हो रहे हैं, हमको टर्म समझाना है सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम समझाने के लिए एक डायकॉट के स्टेम के एनाटॉमी को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग इसको पूरी तरह से समझा रहे हैं और फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कब और कैसे अपीयर हुआ। तो क्या क्या बताया हम लोग? सेंट्रली लोकेटेड इस टिश्यू का नाम है पिथ और मेडिकल का एक क्वेश्चन है,
कि पित्त किस किस टिश्यू में किस किस प्लांट में मिलेगा, तो हम लोग एनाटॉमिकली कहते हैं मोनोकॉट रूट, लिखते हैं मोनोकॉट रूट, और फिर लिखते हैं मोनोकॉट स्टेम, फिर उसी तरह से हम लोग लिखते हैं डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। इन चारों में क्वेश्चन यही आता है मेडिकल में, इन चारों में पित्त कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा। तो वी हैव ए फॉर्मूला, एक छोटा सा हम लोग सीक्वेंस बनाया, मिस्टर डीएस कंटेन पित्त। अब देखो मिस्टर वर्ड में क्या है, एम आर, एम आर स्टैंड फॉर मोनोकॉट रूट और डीएस स्टैंड फॉर डाइकॉट स्टेम। कितना अच्छा टेक्निक बताया, मिस्टर डीएस कंटेन पित्त, मतलब मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में क्या मिल जाएगा, पित्त मिलेगा। इसका मतलब कहां कहां मिला, तो यहां पे टिक करते हैं, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में मिला। तो इसी से हमको ये भी पता चल गया ना कि कहां पे पित्त नहीं मिला, तो पित्त नहीं मिला मोनोकॉट स्टेम में और डाइकॉट के रूट में। तो आउट ऑफ फोर, चार जगह में दो जगह पे पित्त मिला और दो जगह में पित्त नहीं मिला। फिर हम लोग अंदर आते हैं और फिर इसको समझना शुरू किए। फाइनली अब हम लोग एक स्टोरी बता रहे हैं, सेकेंडरी कैम्बियम कहां आने जा रहा है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल समझना था। क्या क्या बताए, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर हम लोग क्या नाम रखे, द सेकेंड लेयर इज टर्म एज हाइपोडर्मिस, उसके बाद वाले ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम क्या रखे, जनरल कॉर्टेक्स, उसके इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या रखे, एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद वाले सेल का नाम क्या रखे, पेरिसाइकिल, देन फाइनली वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में कौन कौन सा टिश्यू था, एक टिश्यू का नाम रखे जाइलम और दूसरे का नाम रखे फ्लोएम। इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम कौन है, तो क्या बताएंगे, इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम है। कैम्बियम कैसा टिश्यू है, तो बताएंगे ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, क्योंकि ये शुरू से मेरिस्टमेटिक, इसलिए टर्म क्या यूज करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में अभी भी क्या बताया है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट के लाइफ में जो परमानेंट टिश्यू था, जब वो पावर ऑफ डिवीजन को रिटेन करेगा तब हम उसका नाम रखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये तो अभी मेरिस्टमेटिक है, शुरू से अगर कोई मेरिस्टमेटिक है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये प्लांट ग्रो कर गया, एक प्लांट जब ग्रो कर चुका है तब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। तो प्लांट पहले लंबाई में बढ़ चुका है, इस ग्रोथ का नाम दे दिए प्राइमरी ग्रोथ, क्या नाम दिए इसका हम लोग, प्राइमरी ग्रोथ। एक सर्टेन एज के बाद अब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज करना शुरू किया, प्लांट जो ही डायमीटर में इंक्रीज करेगा हम लोग इसका नाम देंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी का पहला एस्पेक्ट अब देखना शुरू करो, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोसेस में ही ये एग्जाम्पल आएगा जिसका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉर्मल कोर्स में सबसे पहले पिथ रे का वो सेल जो कैम्बियम के डायमीटर की लाइन में था, पिथ रे का पिथ कौन सा पोर्शन बताया था अभी, पिथ के बारे में बताया कि पिथ इज सेंट्रली लोकेटेड सेल, और इससे जो सेल दोनों वैस्कुलर बंडल के बीच में निकल रहा है इसका नाम रखे पिथ रे। इस चूंकि ये सेंट्रली लोकेटेड सेल से निकल रहा है इसलिए एक और नाम दे दिया गया मेडुलरी रे। ये टर्म फिर देखो यहां पे लिखे हैं मेडुलरी रे, कैसे टर्म हुआ समझ में आया, मिडिल पोर्शन से निकल रहा है, That's why we call it medullary. कहां से निकल रहा है, मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टेम से निकल रहा है, इसीलिए एक नया टर्म मेडुलरी रे। ये क्लियर हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिथ रे किसको बोले, तो बोलेंगे दोज पेरेन्काइमेटस टिश्यू विच ग्रो फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन, और सेंट्रल पोर्शन का नाम क्या रखे हैं, पिथ। तो पिथ से निकलने वाले, अगर ये सन है तो ये सन रे है, ये मून है तो ये मून रे है, और ये पिथ है तो ये पिथ रे है। तो रे का नाम समझ में आ गया, क्यों नाम ऐसा पड़ा, रटने लायक कोई बात नहीं है, फिर हम बार बार कह रहे हैं कि रटने लायक कोई बात नहीं है, एक एक बात हम लोग समझेंगे।
और समझने के बाद जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, आंसर करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएगा और 100% क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, गलतियां होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो फिर से हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग क्या बोले, जब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज कर रहा था, ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब वो डायमीटर में इंक्रीज कर रहा था, उस समय पिथ रे का वो टिश्यू जो फेसिकुलर कैम्बियम के डायमीटर के डायरेक्शन पे था, अचानक वो मेरिस्टमेटिक हो गया। ये दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन पिथ रे का, ये पोर्शन पिथ रे का, ये पोर्शन पिथ रे का। तो पिथ रे का वो टिश्यू जो कैम्बियम के डायमीटर की लाइन में था, वो क्या हो गया, वो मेरिस्टमेटिक हो गया। अब इसका नाम बदल दिए और इसका नाम रखे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम रखे इसका हम लोग, इस सेल का नाम अब रखते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।